सगरी परी चरण लपटा सागर जल ले चरण पखारे प्रेम समेत निकट बैठा कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहुआ प्रेम सहत प्रभु आए बारंबार बधा प्रभु श्री राम सबरी मैया के प्रेम से पगे हुए झूठे बेरों को मारे हैं और कह रहे लक्ष्मण इतना स्वाद तो जनकपुर की पाहुनी में भी नहीं था, इतना अच्छा व्यंजन पकवान तो जनकपुर में भी नहीं था। लक्ष्मण जी कह रहे झूठे बेर गा रहे हो, ससुराल की बुराई कर रहे हो, ससुराल की बुराई कर रहे हो, झूठे बेर गा रहे हो। तो पर यहाँ प्रेम था, आज यहाँ महाराज सबरी मैया हाथ जोड़ लिए पान जोरे भाई ठाड़ी प्रभो बिलो के प्रीत अति बाड़ी के ही विधे अस्तुते करो तुम्हारी अधम जाति मैं जड़ी मति भाओ। प्रभु श्री राम सामने हैं, फिर भी सबरी मैया कह रही है प्रभु मैं मंद बुद्धि की हूँ, गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आखिर मैं कोई छंद प्रबंध स्तुति कुछ भी नहीं जानती हूँ। राघव आधा में ते आधा में बहुत नीच जाती की हूँ, आधा में ते आधा में अति नारी राघव आखिरकार मैं इतने लायक नहीं थी जो आपने मुझ पे कृपा दृष्टि बरसा दिया। अब भगवान प्रभु श्री राम बोल पड़े महाराज कहे रघुपति सुने भामिनी माता मानहु एक भगति करिनाता जात पात कुल धर्म बढ़ाई। याद रखना प्रभु श्री राम ने सबरी मैया से डंके की चोट में ये शब्द कहा, ना मैं जाति पाति मानता हूँ, ना मैं ऊंच नीच मानता हूँ, ना मैं गरीब अमीर मानता हूँ, ना काला गोरा मानता हूँ, मैं 10 बातों को बिल्कुल इग्नोर करूँ। जाति पाति कुल ऐसा नहीं कि कोई कुल खानदान वाला हुई मेरे पास आ, जाति पाति कुल धर में पढ़ाई धन बल परिजन गुने चतुराई। महाराज मैं तो अगर मानता हूँ केवल तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ, इसीलिए भगवान प्रभु श्री राम ने नौधा भक्ति का कहीं वरदान नहीं दिया है। अगर नौधा भक्ति का वरदान दिया तो केवल मैया शबरी को दिया है, प्रभु श्री राम नौधा भक्ति का वरदान दे रहे हैं। प्रथम भगति संतन करे सकदमसी
Oh, dear.